सोशल मीडिया पर मणिपुर का एक वीडियो सामने आया था जिसमें मणिपुर के एक समुदाय के पुरुष दूसरे पक्ष की दो महिलाओं को निर्वस्त्र अवस्था में घुमाते दिख रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। अब इस घटना के विरोध की चिंगारी उत्तराखंड में सुलग रही है। महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला फूंकते हुए विरोध व्यक्त किया है। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंशुल त्यागी ने कहा कि मणिपुर में लगातार दिल झकझोरने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर पूरे देश में राज्य से लेकर ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ भाजपा की सरकार नारी शक्ति की बात करती है तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार पूरी तरह से मौन है, जिसको महिला कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने मांग की है कि अगर महिलाओं के खिलाफ घटनाएं भविष्य में दोबारा होती हैं तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। में जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और नगर स्तर पर पुरजोर इसका विरोध किया जा रहा है। कहां एक और भाजपा सुशासन की और महिला सशक्तिकरण की बात करती थी, वहीं एक और मणिपुर की इस घटना ने बहुत हमें बेहद शर्मसार कर दिया है। जहां पर महिलाओं के लिए मान सम्मान होना चाहिए था, वहां एक और मणिपुर जल रहा है और मोदी जी मौन है, सरकार बिल्कुल मौन है और दूसरी ओर महिलाओं को वहाँ निवस्त्र घुमाया जाता है। इससे बड़ी बेहद शर्मनाक घटना, इससे बड़ी घटना हमारे लिए हो नहीं सकती, क्योंकि आज उस महिला के साथ है, कल कहीं ना कहीं हमारे बीच की या हमारे साथ भी दुर्घटना हो सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।